कैंसर से पीड़ित 47 वर्षीय मरीज का मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक इलाज किया गया। मुरादाबाद के रहने वाले मरीज धर्मवीर सिंह को स्टेज 4 का लंग्स कैंसर था। इस केस की सफलता के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को अवेयर करने के मकसद से मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज ने आज यहां एक सत्र आयोजित किया। साथ ही इस मौके पर मुरादाबाद के साई अस्पताल के साथ मिलकर एक ओपीडी भी लॉन्च की गई। ये ओपीडी सेवा हर महीने के दूसरे व चौथे शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। ओपीडी लॉन्च के मौके पर मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर रजत शाह मौजूद रहे। उनके साथ कैंसर मरीज धर्मवीर सिंह भी रहे, जिनका मैक्स पटपड़गंज में सफल इलाज किया गया। केस के बारे में जानकारी देते हुए रजत शाह ने बताया कि नवंबर 2022 में धर्मवीर सिंह को स्टेज 4 का फेफड़ों का कैंसर डायग्नोज हुआ था। इस केस को ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया गया और उन्हें मैक्स अस्पताल पटपड़गंज में ही दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक इंट्रावीनस कीमोथेरेपी दी गई। इसके साथ जब पेट सिटी स्कैन किया गया तो मरीज की हालत में सुधार नजर आया। इसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का काफ़ी अहम रोल रहा। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग मुख्यतः EGFR एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का विश्लेषण होता है, जिसमें धर्मवीर सिंह के जीन्स में डिफेक्ट होने का पता चला। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने इसके बाद अपने इलाज में कुछ बदलाव किया और EGFR डिफेक्ट को टारगेट करने के लिए टेबलेट थेरेपी दी गई और साथ में कीमोथेरेपी भी चलती रही। इस ट्रीटमेंट के मिलने से धर्मवीर सिंह की हालत में सुधार होता गया। इसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चला। साथ ही यह भी पता चला कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में इसका योगदान कितना अहम है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रजत शाह, एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मैक्स पटपड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइज करता हूँ। सर, क्या प्रोग्राम था आज का? प्रोग्राम बहुत ही अहम टॉपिक पे था, कैंसर की जागरूकता, कैंसर के वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, और लंग कैंसर के एक मरीज भी हैं, उनको भी हमने बुलाया था हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने उनकी सहायता से हमने सारे स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर ट्रीटमेंट को भी डिस्कस किया। सर, क्या जानकारी दी कैंसर के विषय में? कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है। कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो कैंसर का पूरी तरीके से इलाज हो सकता है। सर, कैंसर भी कई तरीके का होता है, क्या विधियाँ हैं? देखिए, कैंसर शरीर के किसी भी भाग में पाया जा सकता है, ऊपर सर से लेकर पैर तक किसी भी भाग में पाया जा सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग कौन से एरिया का कैंसर है उस हिसाब से हम अपने ट्रीटमेंट को भी चैनलाइज करते हैं। कुछ को पता नहीं होता इस कैंसर के विषय में, तो इसकी क्या पहचान होती है, इसकी कुछ जानकारी? अगर कोई भी मुंह में कोई भी छाला पड़ा हो जो कि 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, उसमें भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। खांसी में अगर कोई खून निकल रहा हो तो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। कोई ब्रेस्ट में, स्तन में अगर कोई गांठ हो या शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ हो, वो भी एक कैंसर का लक्षण बन सकता है। लेडीज में खासकर मासिक को छोड़ के और भी कोई अगर ब्लीडिंग हो तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। कहीं से भी एक्स्ट्रा खून, एबनॉर्मल खून निकलना, जैसे कि मुंह से, नाक से, या फिर लैट्रिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते खून निकलना भी कैंसर का प्रथम लक्षण हो सकता है। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से जनता को ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि कैंसर शब्द से ना डरें। आजकल भारत में कैंसर के लिए कई सारे आधुनिक उपाय चरण आ चुके हैं, और हमें अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ते हैं। तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन को कम करें और ख़त्म कर दें। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली बढ़ाएं और डाइट को भी इम्प्रूव करें, जंक फूड वगैरह ना खाएं। इसके साथ साथ अगर कोई भी कैंसर के कॉमन लक्षण आप में दिख रहे हों तो हमेशा तुरंत ही अपने निकटतम डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं।